वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अपने फोन पे पाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक ड्रोन लाए हैं या क्वाडकॉप्टर, जो भी आप इसको कहना चाहें। तो ये अब तक का मतलब सबसे सस्ते ड्रोन्स में आता है। जैसे कि आप इंडियन मार्केट में जानते हैं कि आपको 1000 रुपये तक में ड्रोन मिलते हैं, जो कि सबसे स्टार्टिंग रेट है। तो ये वाला भी कुछ 1000-1200 रुपये तक आता है, तो मुझे 1000 रुपीज़ के आसपास मिला है। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में देखते हैं। तो ये बॉक्स पैक पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए लाइक हेडलेस मोड, लाइट वगैरह, साइड में भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसका रिमोट बना है और दूसरे साइड भी कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह दी है। तो चलिए इसको बॉक्स पैक से जल्दी से निकाल लेते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर हमें ड्रोन मिलता है जो कि इसमें फिट है। चलिए इसको साइड में रखते हैं, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नहीं, एक और कंपार्टमेंट बना हुआ है, तो उसको खोल के देखते हैं। तो अंदर हमें एक पैकेट मिलता है, उसमें कुछ चीज़ें रखी गई हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें हमें मिलती है इसकी केबल, जिससे आप चार्ज कर सकते हैं। तो इसको आप किसी भी अपने मोबाइल अडाप्टर में लगा के अपने ड्रोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा विंग्स मिलते हैं, प्रोपेलर्स मिलते हैं अगर इनकेस आपके पुराने टूट जाते हैं तो। और आखिर में हमें इसकी बैटरी मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक 5 से 6 मिनट तक का मैक्सिमम फ्लाइट टाइम दे देती है। उसके अलावा हमें एक रिमोट मिलता है जो कि गायरो सपोर्टेड है। इसमें 2 बैटरीज लगती हैं डबल है, जो कि इसमें पैक के साथ आपको नहीं मिलती है, आपको अलग से लेनी पड़ेगी। इसमें कुछ बटन्स हैं जैसे कि एक्सेलरेशन, लेफ्ट राइट और ट्रिमर के बटन, फ्लिप के बटन, 1 होम रिटर्न बटन और भी कुछ चीज़ें हैं, ऑन ऑफ बटन। तो वो जो लोग यूज़ करते हैं वो जानते हैं इस बारे में कौन कौन से उनको बटन्स मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं जैसे कि मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया, तो इस बुक की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी गई है बेसिक यूज़र के लिए, स्टार्टर के लिए, जिससे काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बैटरी जैसे कि आपको इसमें अलग मिलती है, इसमें कोई भी ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलता है। तो आपको बैटरी इसको धीरे से इंसर्ट करनी है अंदर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये है पिन जिसको आप लगाएंगे तब आपका ड्रोन ऑटो ऑन हो जाएगा। इसमें कोई भी ऑन ऑफ का बटन नहीं मिलता है, तो आपको क्लिप लगानी या निकालनी पड़ेगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें रेड और 2 ब्लू लाइट्स लगी हैं। ब्लू लाइट फॉरवर्ड है और लेफ्ट रेड लाइट आपकी बैक साइड का है। ऑन करने के लिए आपको लेफ्ट वाले टॉगल को अप डाउन करना पड़ेगा और ये ऑन हो जाता है। और जैसे कि आप छोटा सा फ्लाइट टाइम यहीं पे देख सकते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। जब तक कि आप वीडियो देखते रहे, मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहली बार है और मैंने अभी आउटडोर फ्लाइंग इतनी करी नहीं है, तो कुछ खास मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि स्टेबिलिटी वगैरह थोड़ी सी अनइवन है। अगर आप फ़ैन वगैरह ऑन करके यूज़ करते हैं तो ये इधर उधर भागने लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया। आउटडोर की वीडियो मैं अपने फेसबुक पेज पर डालूंगा 1-2 दिन के अंदर, तो अगर आपको वो देखनी है तो आप फेसबुक पर ज़रूर लाइक करें और चेक करते रहें, वीडियो बहुत जल्द उस पर आ जाएगी। यहाँ मैं अपलोड नहीं करूँगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और हाइट की बात करें तो 20-30 फीट तक जाता है, मैंने सिर्फ एक बार ही ट्राई किया था बाहर और उसके बाद ये थोड़ा सा मेरे से कंट्रोल से छूट गया था और आके गिर गया था। बैटरी की बात करें तो 4-5-6 मिनट तक आपको फ्लाइट टाइम मिल जाएगा और करीब 40 मिनट के अंदर ये चार्ज हो जाती है आराम से। चार्जर में रेड लाइट जलती है जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, चार्जिंग में ऑफ हो जाती है और जैसे ही फुल हो जाती है उसकी रेड लाइट बंद हो जाती है, तो बहुत आराम से चार्ज हो जाता है। बिल्ट मटेरियल अच्छा है, प्लास्टिक ठीक है, बहुत गिरा है लेकिन टूटा नहीं है। तो 1000 रुपये के अंदर ये ड्रोन ठीक है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है, बट हाँ उतना अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। बाकी फ्लिप्स और 360 डिग्री रोटेशन ये सब आराम से कर लेता है अगर आप सफिशिएंट हाइट पर उड़ाएंगे। काफ़ी हल्का वेट में है, तो अगर तेज़ हवाएं चल रही हैं तो उसमें ये ड्रोन इधर उधर जा सकता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आपको ये बाय करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ पर्टिकुलर मॉडल का, तो आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।